ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण धार्मिक यूट्यूब चैनल में। अधिक मास चल रहा है, ये महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने में मांगलिक कार्य वर्जित है, लेकिन पूजा पाठ और भक्ति के नजरिए से अधिक मास बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मान्यता है जो अधिक मास में विष्णु जी की भक्ति करता है, उसे जीते जी कभी धन की कमी नहीं होती। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं अधिक मास का महत्व और उसके नियम क्या है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनसे मिलकर बना है। इन पांचों के संतुलन से ही व्यक्ति अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चला पाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन, मनन, ध्यान करने से इन पांचों का संतुलन बनता है, जिससे व्यक्ति भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त कर सकता है। अधिक मास में धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति के कुंडली के दोषों का भी निवारण होता है। यही वजह है कि हर 3 साल में आने वाले अधिक मास का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए हर 3 साल में अधिक मास आता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में अतिरिक्त मास आता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। अधिक मास की कथा तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताई है। अधिक मास, जिसे मल मास कहा जाता है, इसका कोई भी स्वामी नहीं था, इसीलिए भगवान विष्णु इसके स्वामी बन गए और भगवान विष्णु ने इन्हें अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दे दिया, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में विष्णु जी की पूजा, मंत्र, यज्ञ, हवन, भागवत पुराण, इनका पठन करना चाहिए। विष्णु पुराण, गीता पाठ, नृसिंह भगवान की कथा आदि का भी पठन श्रवण करना चाहिए। इससे पापों का शमन होता है। 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी पंडित जी के द्वारा पढ़ लीजिए और आप उसे श्रवण कीजिए, या फिर इनमें से कोई भी एक धर्म ग्रंथ आपके पास हो तो उसे आप पूरे महीने में किसी भी दिन या फिर पूरे महीने में रोज थोड़ा करके या फिर हर रोज एक अध्याय ऐसे करके आप उसे पढ़ सकते हैं। अधिक मास में पूरे 1 महीने में धन, अनाज, जूते, चप्पल, दीपदान, कपड़े, तांबूल, इनका दान करना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत महत्व है और भगवान विष्णु को भी गौ माता बहुत प्यारी है, तो इस महीने में आप गायों की सेवा करें। इससे कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं। अधिक मास की अवधि में तीर्थ श्राद्ध, दर्श श्राद्ध एवं नित्य श्राद्ध भी करना चाहिए। अधिक मास में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन देखिए अभी बारिश का सीजन चल रहा है और हमारे देश में बहुत से ऐसी जगह है जहां नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, बाढ़ आ चुकी है, बहुत जगह पे भारी नुकसान हो गया है। और अगर आपको लगता है कि अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए, अगर आपसे ये नहीं हो सकता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते है, तो आप घर में ही गंगा जल पानी में डालकर उससे स्नान कर सकते है, या फिर गौमूत्र पानी में डालकर उससे भी स्नान कर सकते है। इसी के साथ महीना भर आप मौन व्रत भी रख सकते हैं, या फिर 7 दिन भी मौन व्रत रख सकते हैं। इष्ट देव के समक्ष अखंड दीप अगर आप जलाए तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। देखिए, सूर्य हर महीने राशि बदलता है, लेकिन अधिक मास में सूर्य राशि नहीं बदलता है। इस वजह से इस महीने में शुभ कार्य नहीं होता। इसे मलिन मास कहा जाता है। इसमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, ऐसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसमें मसूर दाल, उड़द की दाल, मूली, मेथी, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन आदि का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय सोए, जमीन पर सोना अति उत्तम होगा। अधिक मास में क्रोध, अहंकार, लालच, इनका त्याग करें। किसी के प्रति द्वेष न रखें। हम लोग क्या करते हैं, अभी अधिक मास चल रहा है, बहुत सारा पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे,
रोज गौ माता का दर्शन करेंगे, रोज उनकी सेवा करेंगे, हर रोज हम ये पुण्य कार्य करते, लेकिन क्या होता है, हम लोग जब किसी को कुछ भी बोलते हैं, हमें इस चीज का अहंकार होता है, या फिर हमें किसी के प्रति क्रोध आता है, या फिर किसी बात का हमें लालच पैदा हो जाता है, तो ये बातें गलत है। हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। हम पूरे महीने भर पूजा पाठ करते लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति मलिनता हो तो वो बात भी गलत है। इसीलिए हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने वालों को इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य भी नहीं मिलता है। इसलिए ये बात याद रखे कि सबके प्रति प्रेम भाव रखे, क्योंकि भगवान विष्णु ने हमें जब धरती पे जन्म लिया तो भगवान राम जी और कृष्ण ने हमें प्रेम सिखाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर सबके साथ शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए।